हर कोई व्यक्ति जो दुनिया में आया है, क्या मकसद है उसका यहाँ आकर? जिंदगी में मकसद क्या होता है? किस मकसद से वो जिंदगी जीता है? आपका जीने का मकसद क्या है? किस लिए जी रहे हो? व्यक्ति के तीन मकसद होते हैं, क्या? सफल होना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। तो मेरे अनुभव से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों जो चीजें हैं, सफलता, स्वास्थ्य और खुशियाँ, इसके लिए बहुत कुछ चीज़ें लगती हैं। आप भी जानते हो कि एजुकेशन चाहिए, इसके लिए हार्डवर्क चाहिए, इसके लिए लक चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें चाहिए। लेकिन मेरी दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के युग में अगर कोई है तो ये मेंटली स्ट्रांगनेस। ये तीनों चीज़ पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई है तो ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, एक्साइटेड बनना है, एंथुसियास्टिक बनना है। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत होगी। तो आप अगर ये चीज हासिल कर लेते हो, अगर आप ऐसा व्यक्ति बनते हो, आप ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करते हो कि जो हमेशा स्ट्रांग है, पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है, एंथुसियास्टिक है, तो आपको तीनों चीजें इजीली मिलेगी, कोई कमी नहीं होगी, हर चीज आपको दुनिया की मिलेगी जो आप चाहते हो। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? मेंटली स्ट्रांग बनना, कॉन्फिडेंट बनना और जोशीला बनना। ठीक है, पहले का जमाना था कि आपने कुछ अच्छी डिग्रियां हासिल कर ली, आप MBA हो गए या आप ग्रेजुएट भी हो गए, तो एक सेटल लाइफ आपकी हो सकती थी, आपको कहीं भी कंपनी में जॉब मिलता था या गवर्नमेंट में जॉब मिल जाता था। क्या आज ये पॉसिबल है? तो लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली सफलता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खुशियाँ के लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। लोग ढूंढ रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है लोग। सफलता, स्वास्थ्य और खुशियाँ के लिए आज के समय के लिए चीज़ें जरूरी है। दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए और एंथुसियास्टिक होना चाहिए। ये जरूरी क्यों है? तो आपने भी एक्सपीरियंस किया, आपने भी किया कि जब कोई मेंटल इलनेस आपने महसूस की, कोई समस्या महसूस की, तो काम करना कितना मुश्किल हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? आपका जॉब है या बिजनेस है या कुछ भी है, तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई प्रॉब्लम में है, मेंटली इलनेस का हम शिकार हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया का शिकार हैं, तो हम प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर सकते। आपको घटिया काम नहीं करना है, आप जानते हो कि मुझे अच्छा काम ही करना है, आप परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन फिर होता नहीं है। ये सच है कि गलत है? सच है। मतलब कि अब आपको पता चला है कि सफलता के लिए अच्छा परफॉर्मेंस जरूरी है और अच्छा परफॉर्मेंस के लिए मेंटली पॉजिटिव रहना और स्ट्रांग रहना जरूरी है। तभी आप, जब आप मेंटली स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तभी आप अच्छा काम कर सकते हो, आप अच्छी अचीवमेंट कर सकते हो। तो मैं अब दुनिया को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका ध्यान किसी और पर हो या ना हो, आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग करने पर आपका ध्यान होना चाहिए, आपको जोशीला, आपको कॉन्फिडेंट रखने पर आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम से बाहर आना है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, किसी भी तरह की समस्या से बाहर आना है, आपको पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, कॉन्फिडेंट बनाना ही होगा, तभी आप कोई मेंटल इलनेस से आप बाहर सकते हो, तभी कोई मानसिक समस्या आप बाहर आ सकते हो। ये कंपलसरी है, दूसरा आप कुछ करो ना करो, लेकिन मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हो, कॉन्फिडेंट भरने की कोशिश करते हो, तो आप कोई भी प्रॉब्लम से जल्दी से बाहर आ जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कैसे बने, ऐसा कैसे मेंटेन करें, क्या आपकी ये सवाल है कि नहीं है? तो इसमें सबसे पहली बात थेरेपी के अंदर बताई कि ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप बहुत शिद्दत से अल्फा सेट प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करें। दूसरी चीज जो है अल्फा सेट प्रैक्टिस के बाद, वो है आपका बिहेवियर। बिहेवियर समझ रहे हो कि आप कैसे बात करते हो, कैसे आप चलते हो, कैसे सब आप काम कर रहे हो, ये आपका बिहेवियर है। तो जब आप मेंटली नेगेटिव होते हो ना, तब आपका बिहेवियर भी क्या रहता है? नेगेटिव रहेगा। आप मेंटली थोड़ा सा अपसेट हो, दुखी हो, तो आपका काम करने का तरीका वीक रहेगा।
आपका जो आपकी चाल है वो भी कमजोर रहेगी, बैठने का तरीका भी कमजोर रहेगा। दुखी व्यक्ति ऐसे नहीं बैठ सकता कभी, आप देखो कभी भी, ठीक है। तो मतलब कि आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ बैठने में क्या होता है भाई, थके हुए तो ऐसे थोड़ा बैठ लिए, इसमें क्या है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा रेस्ट के लिए ऐसे बैठो, आराम करो, लेट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी आदत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी बैठो यूं ऐसा दुखी चेहरे से और दुखी बॉडी लैंग्वेज, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से बैठो। ये कोई तरीका नहीं है आपको रिकवर करने का, आपका जोश भरने का। तो इसकी भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ आदत में लानी होगी कि आप हमेशा एकदम पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ ही आप अपने आप को पेश करो, इस तरह से आप काम करोगे। तो ये भी बात ट्रीटमेंट का पार्ट ही है, तो उसको भी इतना वैल्यू देना चाहिए। पहली बात क्या हुई, अल्फा सेट प्रैक्टिस। दूसरी है आपकी बिहेवियर, यानी बॉडी लैंग्वेज और इसमें सब कुछ जो शामिल होता है ये। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपका माहौल, आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट होती है आपके माहौल से। हर बार व्यक्ति आपको आके कोई बोल जाता है, यार तू कितना कमजोर है यार, इतना डल क्यों हो गया, इतना ये डाउन क्या हो गया, आप हर बार एक ही तरह की बात सुनोगे, क्या होगा आपके दिमाग पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। हर व्यक्ति आपको आके यही बोलता है, यार क्यों इतना चेहरा आपका लटका रहता है, क्यों इतना दुखी दिखते हो, क्या इतना प्रॉब्लम होगी, क्या समस्या हो गई। आपका दिमाग फिर और वो लोग डाउन करेंगे। तो ये आपका माहौल हो गया। आपकी सराउंडिंग में अगर नेगेटिव लोग हैं या अगर आपको नेगेटिव फोकस कराने की कोशिश करते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव है, एक्साइटेड है, वो जोशीले है, इसके अंदर कुछ करने का इच्छा है, इसके अंदर कोई गोल है, इसकी ज़िंदगी में कोई गोल है, इसके अंदर कोई अचीवमेंट की कोई चाहत है, इस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए। मतलब जिस तरह की आप माहौल पसंद करते हो, जिस तरह के लोगों के बीच में आपने आपको रखा है, आपकी मेंटालिटी, आपकी बिहेवियर बाय डिफॉल्ट ऐसी ही हो जाएगी जैसे लोगों के साथ में आप रहते हो। ये तो बाय डिफॉल्ट है, एक नेचर का रूल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब कि आपको अब पॉजिटिव रहना है, स्ट्रांग रहना है, खुश रहना है, तो ऐसे लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों के बीच में अपने आप को रखना पड़ेगा। आप हर बार नेगेटिव लोगों के बीच में ही रहते हो और आप कोशिश करते हो कि मैं बहुत खुश रहूं, मैं सेटिस्फेक्शन महसूस करूं, मैं अपनी लाइफ में अचीवमेंट करूं, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए कि ठीक होने में इतनी सारी चीज़ों का रोल है। मतलब इतनी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने अल्फा सेट प्रैक्टिस कर लिया, आपने चिल्ला लिया, हाँ हाँ मैं कॉन्फिडेंट पावरफुल हूँ, हाँ आपने अफर्मेशन कर लिया मैं शांत, ये चीज़ें ज़रूरी है, मस्ट। इसके से बहुत सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। माहौल के अंदर एक चीज़ मैंने बताई कि आपके पेरेंट्स का और आपके दोस्तों का आपके साथ का बिहेवियर, ये बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जो लोग हमारे पास जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आए, उसमें हमें कई लोगों ने ये बात बताई कि सर मेरी प्रॉब्लम क्या है मैं जानता हूँ, मेरी प्रॉब्लम की वजह को मैं जानता हूँ, मेरी प्रॉब्लम की जड़ को मैं भी जानता हूँ। सर क्या बताऊँ, मेरी प्रॉब्लम मेरे घर में ही है, मेरी प्रॉब्लम की जड़ मेरे घर में ही है। कौन है, कोई बताए, सर मेरी बीवी मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पड़ोसी मेरी प्रॉब्लम है। मतलब कि वो लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम करने वाले लोग घर में ही हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं कर पाए। हम सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं, प्रैक्टिस आपको देते रहे, चलो 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 ये प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आप कर लिए, आप रिकवर भी हुए, थोड़ा ठीक भी, अच्छा पॉजिटिव महसूस किए, लेकिन जो जड़ है, जो प्रॉब्लम जिससे पैदा हुई थी वो अभी सेम रही तो क्या होगा, वापिस फिर वही समस्या खड़ी होगी। तो मतलब कि एक बार आप ठीक हो जाते हो तो इसके बाद जो समस्या की जड़ है उसको ठीक करना पड़ेगा।